तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हैं चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके ही वीडियो को बंद करना क्योंकि मैं डेली स्पाउस वीजा के ऊपर अपडेट डालता हूँ। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। 3 फरवरी 2021 की फाइल है। 9 फरवरी 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे। इनको री मेडिकल रिक्वेस्ट मिली थी 19 फरवरी 2022, मतलब एक साल बाद इनको मेडिकल रिक्वेस्ट आई। एंड उसके बाद 14 मार्च 2022 को इनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। फाइल डेट है जी 24 फरवरी 2021 की। बायोमेट्रिक इनके हुए 26 फरवरी को। मेडिकल इनका पास हुआ था 7 मार्च को। एंड इसके बाद इनका मेडिकल जो है वो एक्सपायर हो गया था 5 दिसंबर को। एंड उसके बाद मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली थी 16 फरवरी 2022 को। एंड उसके बाद मेडिकल इन्होंने सबमिट किया था अपना 5 मार्च 2022 को। एंड उसके बाद वीजा इनको मिला 14 मार्च सुबह 9:30 बजे। सो इन्होंने बताया कि जो इनकी वाइफ की स्टडी है वो सितंबर तक है। एंड फंड जो इन्होंने शो किए थे वो 8 लाख शो किए थे। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। अप्लाई डेट है जी 13 मार्च 2021। मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 20 सितंबर को। री मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली 23 फरवरी को। इन्होंने जो मेडिकल है वो सबमिट किया था 24 फरवरी को। स्टडी परमिट इन्होंने एक्सटेंशन जो है अपडेट कर दिया था 11 मार्च को। एंड उसके बाद इनको फाइनली 13 मार्च को इनका जो मेडिकल अपडेशन का मैसेज आ गया। एंड 14 मार्च को पीपीआर की मेल आ गई। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। एंड उसके बाद बात करते हैं 25 मार्च 2021 की फाइल है। एंड इनको भी 14 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई। सबमिशन कन्फर्मेशन इनकी हुई थी 25 मार्च 2021 को ही। रिक्वेस्ट लेटर इनको मिला था 19 अक्टूबर 2021 को। बायोमेट्रिक इलेक्शन लेटर इनको मिला 25 अक्टूबर 2021 को। एंड उसके बाद मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली 28 फरवरी 2022 को। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 14 मार्च 2022 को, मतलब आज इनको मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 5 मई 2021 की फाइल है। सबमिशन कन्फर्मेशन हुई इनकी 5 मई 2021 को ही। बायोमेट्रिक इलेक्शन लेटर इनको मिला 5 मई 2021 को। मेडिकल रिक्वेस्ट आई इनको 14 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं एक रिफ्यूजल की। आज मेरे फ्रेंड की रिफ्यूजल आ गई एंड इनकी जो फाइल डेट थी वो थी 17 मार्च 2021। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की लास्ट पीपीआर। 26 फरवरी 2021 की फाइल है। सबमिशन कन्फर्मेशन इनकी हुई थी 26 फरवरी 2021 को ही। बायोमेट्रिक इलेक्शन लेटर इनको मिला था 27 फरवरी 2021 को। एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 14 मार्च 2022 को। तो गाइस, ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। और शाम को रात को बहुत सारी पीपीआर आने के चांसेस होते हैं। मंडे की रात को बहुत सारी पीपीआर आती है। सो उसे हम कल वाली वीडियो में जो 10 बजे शार्प आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं जी कल वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।